सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। होप करता हूँ कि गाइस आप बढ़िया होंगे, तो सोए वाला फाइल में बढ़िया ही रहना। सो गाइस तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया कॉम्बी फाइल लेकर आ गया हूं, जो कॉम्बी फाइल आप लोगों के लिए बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का कॉम्बी फाइल होने वाला है। सो गाइस तो मैं बता दूं आज का कॉम्बी फाइल बहुत ही ज्यादा डिमांडेड कॉम्बी फाइल होने वाला है। सो फ्रेंड्स तो मैं बता दूं आज का कॉम्बी फाइल बहुत ही तगड़ा वर्क करने वाला है, चाहे मतलब की 2 GB से लेकर क्यों ना 8 GB तक रैम हो। एंड यहाँ पे मैं बता दें कि हर एक डिवाइस में आज का कॉम्बी फाइल वर्क करने वाला है। सो अगर आप लोग इसी तक हमारे चैनल पे नए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो लाइक नहीं करता वीडियो को भी फटाफट से लाइक कर देना, क्योंकि हर अपडेट के बाद से लेटेस्ट कॉम्बी फाइल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। सो गाइस तो मैं बता दूं अगर आज का कॉम्बी फाइल आप लोग यूज करके गेम प्ले करोगे तो आप लोगों को गाइस खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई क्या ही कॉम्बी फाइल प्रोवाइड करा दो। गाइस मैं बता दूं आज का कॉम्बी फाइल खुद मैंने पर्सनली खुद यूज किया और मैंने इसका जो प्रॉफिट होता है ना मैंने खुद उठाया। गाइस मैं बता दूं कि क्या ही कॉम्बी फाइल आज का वर्क कर रहा है यार। सो गाइस तो मैं बता दूं कुछ बंदे बोलते कि भाई मेरा कॉम्बी फाइल वर्क नहीं करता, तो गाइस मैं बता दूं आप लोग अच्छे से अप्लाई करें ना, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2-3 मिनट आप लोग कोई भी मोड खेले ना जाकर ट्रेनिंग। इसमें बता दें यार यहाँ पे कॉन्फ़िग सेट होने में 2-3 मिनट लगता है, अगर आप लोग का कॉन्फ़िग सेट हो गया ना तो गाइस मैं बता दें कतई जेर और आप लोग का गेम प्ले होने वाला है। सो ओके गाइस तो मैं बता दें आज का कॉन्फ़िग फाइल बिल्कुल आप लोग का ड्रैग हेडशॉट वाला कॉन्फ़िग फाइल होने वाला। हल्का से आप लोग अगर ड्रैग करोगे ना सीधे आप लोग का जो एम होता सीधे कच दे आप लोग के एनिमी के माथे पर पकड़ लेगा। मैं बता देना की आज का कॉन्फ़िग फाइल यूज करके आप लोग का सीधे हर एक शॉट सीधे हेडशॉट ही जाने वाला है। सो गाइस तो मैं बता दें आज का कॉन्फ़िग फाइल 100% सेफ एंड 100% सिक्योर है। इसका यूज आप अपने मेन आईडी पे यूज करके गेम प्ले कर सकते, कोई चिंता की बात नहीं है, ये 100% सेफ रहेगा। सो ओके गाइस तो मैं बता दूं इस कॉन्फ़िग फाइल का आप लोग अप्लाई प्रोसेस देख लेना अच्छे से। अगर अप्लाई प्रोसेस में अगर आप लोग थोड़ा सा भी मिस कर दोगे तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आने वाले, इसलिए बोलोगे कि भाई आप डेट कॉन्फ़िग फाइल देते हो। सो गाइस मैं बता दूं मैं आप लोग को हमेशा वर्किंग कॉन्फ़िग फाइल देता हूं, अगर आप लोग इसका अच्छे से अप्लाई कर लोगे तो आप लोग का हर एक कॉन्फ़िग वर्क करेगा। तो सिंपली चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एंड आप लोग को बताते हैं ये कॉन्फ़िग फाइल कैसे अप्लाई होता है। सो गाइस तो सिंपली मोबाइल के स्क्रीन पे इस समय डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना एंड इस कॉन्फ़िग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक ना फॉलो करके मैसेज कर देना, कोई भी टाइम रिप्लाई मिल जाएगा। तो जस्ट कॉन्फ़िग का स्टेट हियर करेंगे, पासवर्ड मांग रहा पासवर्ड पेस्ट कर देंगे एंड पासवर्ड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जस्ट हम लोग का कॉन्फ़िग का स्टेट हियर होते ही कुछ इस तरीके से हम लोग का एक्सटेट हियर होगा। एक्सटेट हियर होने के बाद हम लोग का ऊपर फाइल क्रिएट कर जस्ट उसे पेन करना, उसे पेन करने के बाद आप लोग को कुछ देर कॉन्फ़िग मिल जाएगा, मेन यूआई मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एम बोर्ड मैक्रो नो रिक्वायर सेंसिटिविटी का आप लोग को कोडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट मेन के अंदर जाएगा तो आप लोग को एस्टिमेट मिल जाएगा देखने के लिए एंड यहाँ पे यूआई में जाएंगे तो यूआई में आप लोग को रिजेक्टेड आप लोग को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप लोग को 100% वर्किंग कोडिंग मिल जाएगा। तो कैसे अप्लाई करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जस्ट यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करेंगे, लॉन्ग प्रेस कर लेना, कट कर लेना, जाना डिवाइस पर, फिर जाना एंड्रॉइड पे डेटा पे जाएंगे एंड कॉम डिटेल फाइल को ओपन करना मैक्स का। सिंपली मैं बता दूं मैक्स एंड नॉर्मली दोनों में वर्क करने वाला। जस्ट मैक में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, कंटेंट कीज कंपलसरी, एंड्रॉइड गेमर्स में जाने के बाद से यहाँ पे पेस्ट कर देना। गाइस जस्ट पेस्ट करते आप लोग का कॉन्फ़िग अप्लाई हो जाएगा। क्या करना बना फोन स्विच ऑफ करना फिर ऑन कर लेना। गाइस तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।